तो आप देखेंगे लेक्चर 4 का पार्ट बी। क्वेश्चंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, ठीक है, सी एंड डी, टाइप सी एंड डी। लेक्चर 4 में हमने क्या देखा था, हमने देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब उसके सब केसेस, अगर डायरेक्टली LDE नहीं कोई इक्वेशन आपको दिख रही है, ठीक है, डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो हम उसको रिड्यूस करके, मतलब लीनियर कैसे रिड्यूस करेंगे कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच जाएं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा टाइप सी एंड विच वन इज टाइप डी, ठीक है। अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मौजूद है कि जो भी पी के संग वेरिएबल मौजूद है वो फंक्शन ऑफ वाई होगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, नीचे वाला वेरिएबल है, मैंने हाईलाइट करके इसलिए दिखाया, नीचे वाला वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड वाई विल बी हियर डिपेंडेंट वेरिएबल, सिमिलरली यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मौजूद होगा टर्म उसी का डिफरेंशिएशन, ओके, उसी का डिफरेंशिएशन फॉर्म यहाँ पे मौजूद होगा, सिमिलरली यहाँ पे जो फंक्शन मौजूद है उसी का डिफरेंशिएशन टर्म, दिस इज बाय मिस्टेक, सॉरी, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, उसी का डिफरेंशिएटिव टर्म यहाँ पे मौजूद होगा। इसको भी क्वेश्चन से हम देखेंगे, पर इसको हम समझ लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि f टेस्ट y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, p और q यहाँ पे x के फंक्शन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वो मल्टीप्लाई इससे हो रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है, तो आपका c होगा a से एंड d विल बी कंपेयर टू b, आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो a इक्वेशन थी वो आपकी थी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई स्क्वल टू क्यू, ठीक है, तो वाई आपका हो गया एफ वाई एंड इधर का कोविशेंट आपका हो गया एफ डैश वाई, ठीक है। ये मोटा मोटा मैंने दिखाया कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, टाइप सी कैसे बना, टाइप डी कैसे बना, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या डिपेंडेंट है। अब हम आगे पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल पर या सॉल्यूशन पर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है टाइप सी का, हमको बनाना है टाइप ए, ठीक है, हम टाइप ए बना लेंगे, मतलब हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद सॉल्व करना तो हमको पता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ऐसे करके, ठीक है, तो ये हमको पता है। अब हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का जो बेसिक, और इसीलिए हम इसको देख रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम रिड्यूस कैसे करें, तो हमको क्या करना है, एफ वाई जो भी यहाँ पे एफ वाई मौजूद है उसको वी सपोज करना है, फिर करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका बन जाएगा एफ डैस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये आपका ऐसे रिड्यूस हो गया। फिर तो सिंपल है, ये जो पूरा टर्म है आपका, तो ये आपका डी वी अपॉन डी एक्स बन गया, तो इसको मैंने लिखा डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी टाइम्स, इसको मैंने वी सपोज किया था इक्वल टू क्यू। अब जो हमारा वाई और एक्स में हम खेल रहे थे, अब हम खेलेंगे वी और एक्स में, ठीक है, तो आपका वाई का काम सीधे वी करेगा यहाँ पे, और ये तो आपको पता ही है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है, ठीक है, सिमिलर है, सिमिलर है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली टाइप बी के लिए एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है, जो चीज़ हमने वहाँ पे करी थी सिमिलरली वही करेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वी यू समथिंग, कुछ भी यू ले लिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई,
सब्सिट्यूट कर देंगे, इसको हमने निकाल लिया है, तो डी यू अपॉन डी वाई प्लस पी टाइम्स यू इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये आपका बेसिक एल डी ए बन गई। ठीक है, ये आपकी बेसिक एल डी ए बन गई, तो इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल देख लेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल वाले टाइप में। क्वेश्चन देख लेते हैं एक टाइप सी और डी पे। तो सॉल्व टेन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो जो y का टर्म है वो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे? राइट हैंड साइड में, तो हम इसको इधर ले जाते हैं। तो ये आपका हो गया टेन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेन एक्स एंड sec y, दिस विल बिकम sec y एंड cos स्क्वायर x। ओके, वी विल यूज ब्लू पेन फॉर दिस। तो ये टेन वाई sec y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये आपका टेन एक्स एंड sec y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। अगर कंपेयर करें हम तो आपका कुछ ऐसा होता था। ठीक है, डिवाई अपॉन डी एक्स पी डॉट, अब आपको यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होंगे, यहाँ पे एफ वाई मौजूद है तो यहाँ पे एफ टेस वाई होगा। और पी और क्यू आपका क्या होता था अगर आप नहीं भूलें तो? फंक्शन ऑफ एक्स होते थे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है पर उसको आराम से समझेंगे। ठीक है, इसको ओवरकम करेंगे कि जो आपका पी और वाई है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, दिस एंड दिस, सॉरी पी एंड क्यू, और ये जो एफ वाई एंड एफ डेस वाई है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब जो हमारा ये है वाई। अब आप कंपेयर करो तो आपका एफ डेस वाई आ रहा है टेन वाई सेक वाई। ठीक है, एफ वाई आ रहा है आपका सेक वाई, क्योंकि जो भी x है वो x का फंक्शन है tan x, वो आपका p होगा। ठीक है, और आपका p हो गया tan x एंड q हो गया cos स्क्वायर x। ठीक है, ये विद कंपैरिजन बकायदा आपने लिखा, जो रेगुलर फॉर्म होता था टाइप c का रेगुलर फॉर्म होता था, तो उस फॉर्म को आपने लिखा तो आपको ये मिला। ठीक है, ये आपको इनकी वैल्यूज मिली। ठीक है, तो अब आपको पता है, और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ये भी आपको पता है। तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको एफ वाई को समथिंग लाइक जेड ले लेना है। ठीक है, तो सेक वाई इक्वल टू जेड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक वाई टेन वाई डी वाई अपॉन डी जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, सब कुछ एक्स के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो हमारे जो क्वेश्चन में ये जो पूरा टर्म था तो ये हमको मिल गया, ये डी जेड अपॉन डी एक्स के इक्वल है। तो अब हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई है, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी जेड, ठीक है, इक्वल टू क्यू, ये रिड्यूस होके आए। हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं, तो डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू टेन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये पी एंड क्यू की वैल्यूज रखी, एंड जो यहाँ पे
जो आपका sec y था उसको आपने z मान लिया, ओके, उसको आपने z माना था, और उसके अलावा आपका बचा गया tan x इधर cos square x। तो अब आपकी ये बेसिक इक्वेशन बची। अब आपको ये आपकी एक एल डी ई ए है, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो अब आप क्या कर देंगे, सीधे सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे p को ही हमने रखा है tan x, और z हमने क्या लिया था sec y, ठीक है। तो e रेज टू tan x dx, तो ये होता है e रेज टू log x, log ऑफ sec x, ठीक है। tan x dx आपका log ऑफ sec x, या फिर e log, और e तो आपका पता है प्रॉपर्टी है, तो आपको बचा सिर्फ sec x। अब आपका क्या है, सिंपल है, z मतलब जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q विद रेस्पेक्ट टू dx प्लस c, ठीक है। आपका ये है, अब ये सब याद करने से होगा, ठीक है। तो sec x आपका इंटू cos स्क्वायर x आपका बचेगा cos x dx ओनली प्लस c, तो z इंटू sec x, दिस विल बिकम साइन x प्लस सी, ठीक है। और जेड आपका क्या था, सेक वाई सेक एक्स, तो सेक वाई इक्वल टू, अगर आप सेक एक्स को इधर भेजेंगे तो ये आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना सी इंटू कॉस एक्स, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ वाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो वाई इक्वल टू सेक इनवर्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ठीक है। आंसर तो आपका यही सही है, यहाँ सेक एक्स इंटू सेक वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपने ऐसे सॉल्व किया। तो आपको क्या था कि आपको टाइप ए में बनाना था, टाइप ए और बी, अगर डी है तो वो बी में आएगा, सी है तो आपका ए में आएगा। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि एफ ऑफ वाई मौजूद हो, फिर एफ डैश वाई मौजूद हो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में, ठीक है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद आपको आपका जो पी एल डी ये सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको उस फॉर्म में बनाना है, और फिर आपको तो सॉल्यूशन तो पता ही है, तो आपको सॉल्व कर देना है।